एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 बारातियों की घटना स्थल पे हुई है मौत। 5 गंभीर रूप से जख्मी। बिहार से निकल करके आ रहा है कि एक दिल दहलाने वाली सड़क दुर्घटना, जिस सड़क दुर्घटना में 8 बारातियों की घटना स्थल पे ही हो गई है मौत। 5 गंभीर रूप से जख्मी। एक 4 चक्का और एक सीमेंट से लदे ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं सजग समाचार। बिहार के खगड़िया जिले से एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर निकल करके आ रही है, जिस सड़क दुर्घटना में एक 4 चक्का और सीमेंट से लदे ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर और घटना स्थल पे ही 8 बारातियों की हो गई है मौत। 5 गंभीर रूप से जख्मी। एक्सयूवी पर सवार सभी लोग लौट रहे थे एक विवाह कार्यक्रम में, यानी बारात से लौट कर जा रहे थे अपने घर को, और खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्या रतन पेट्रोल पंप के निकट NH-80 पर सीमेंट से लदे एक ट्रैक्टर में 4 चक्का एक्सयूवी ने मारा टक्कर और घटना स्थल पे ही हो गई है 8 बारातियों की मौत, जिसमें किसी की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। घटना स्थल पे पहुंच चुकी है पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। जानकारी अनुसार मरैया ओपी क्षेत्र के बीड़ा गांव के इंद्रदेव ठाकुर के पुत्र सौरभ कुमार की शादी संपन्न कराकर लौट रहे थे बाराती, और खगड़िया जिले के परसराहा थाना क्षेत्र के विद्या रतन पेट्रोल पंप NH-80 पर 4 चक्का ने मारी एक सीमेंट से लदे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर और घटना स्थल पे ही हो गई 8 बारातियों की मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है मृत व्यक्ति की पहचान। घटना स्थल पे पहुंच चुकी है पुलिस और मरैया ओपी थाना अध्यक्ष के द्वारा पुष्टि किया गया है कि 8 बारातियों की घटना स्थल पे ही हो गई है मौत, 5 गंभीर रूप से हो गया है जख्मी। जख्मी को इलाज के लिए भेजा गया है सदर अस्पताल, और फिलहाल इस घटना को लेकर के विशेष जानकारी नहीं, विशेष जानकारी इस रूप में ही है कि खगड़िया में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 8 बारातियों की घटना स्थल पे हुई है मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। इस घटना जो हुई है, एक सीमेंट से लदे ट्रैक्टर और एक एक्सयूवी 4 चक्का के बीच जोरदार टक्कर में घटना स्थल पे ही हुई है 8 बारातियों की मौत और 5 जख्मी। या भीषण सड़क दुर्घटना हुआ है बिहार के खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्या रतन पेट्रोल पंप NH-80 पर। बने रहे सजन समाचार के साथ। नमस्कार।